हेलो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो दिस इज़ मनीषा एंड आज का ये वीडियो गाइज आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है बिकॉज लास्ट के वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि अगर D2H या DISH TV में अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। तो गाइज वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे वीडियो को एंड हो सके तो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करते हैं। तो गाइज़ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ मैं आप सभी को बता दूं कि आपको अगर इस DISH TV या DTH में अप्लाई करना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो गाइज़ इसमें आपको 12th पास होनी चाहिए एंड मैं इस जॉब की बेनिफिट्स बताने वाली हूँ। गाइज़ इस जॉब की सबसे पहली बेनिफिट ये है कि आपको इसमें टोटली हिंदी में वर्क करने को मिलेंगे, यानी कि अगर आपको हिंदी बोलना पढ़ना लिखना या समझना आता है तो आप इसमें एलिजिबल हो। एंड गाइस इस जॉब की दूसरी बेनिफिट ये है कि ये टोटली वर्क फ्रॉम होम है, आप घर में या ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो और कहीं से भी काम कर सकते हो गाइस। एंड इस जॉब की तीसरी सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि ये जॉब फ्रीलांसर है, आप अपने टाइम के अनुसार जब भी आपके पास टाइम हो इसमें काम कर सकते हैं। सो गाइज़ चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो गाइज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको जाके क्लिक करना है तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फ्रीलांसर डिटेल्स एंड फुल नेम, आप अपना फुल नेम डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया है मेरा नाम मनीषा कुमारी एंड यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालेंगे गाइज़। मैंने यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दिया एंड आप यहाँ पे पूछ रहा है कि हैविंग ऑन डेस्कटॉप या लैपटॉप, आपके पास लैपटॉप है तो भी हाँ लिखेंगे, लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो भी यहाँ पे यस लिखेंगे, लैपटॉप है तो लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास वाईफाई है, वाईफाई मैंडेटरी है इसीलिए यहाँ पे रेड स्टार लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे करेंगे यस। आपके पास है भी फिर भी नहीं है फिर भी काम करने के समय में आप मोबाइल हॉटस्पॉट से यूज़ करके काम कर सकते हैं, यहाँ पे यस डालेंगे। एंड एजुकेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप 10+2 पास आउट हो, ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, आप जो भी पास आउट हो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 10+2 मैंने सेलेक्ट कर दिया। आप किस स्टेट से हो यानी किस राज्य से हो उस राज्य का नाम भरेंगे, जैसे मैंने भर दिया है नोएडा। एंड प्रेजेंट सिटी कहाँ पे है तो गौर सिटी ग्रेटर नोएडा, जो भी सिटी होगा आपका। एंड जेंडर आपका क्या है, मेल है तो मेल या फीमेल है तो फीमेल यहाँ पे डालेंगे। आप अपना ईमेल आईडी डाल देंगे, जैसे मैंने अपना यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया है। एंड अल्टरनेट नंबर, आप एक नंबर डालेंगे एंड दूसरा नंबर भी डाल दें जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो। एंड थर्ड है यहाँ पे लैंग्वेज नोन, आप लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज जानते हैं, जैसे आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे, अगर इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में, और रीजनल लैंग्वेज मतलब आप अपने गांव घर जहाँ कहीं भी रहते हैं उसकी लैंग्वेज अगर जानते हैं तो वो भी सेलेक्ट कर देंगे। तो बेसिकली आपको यहाँ पे हिंदी में जॉब करना है तो आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे गाइज। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है एंड व्हाट्सअप नंबर आपका जो है वो आप यहाँ पे डालेंगे। एंड यहाँ पे पूछ रहा है हैविंग अ स्मार्टफोन, क्या आपके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन है तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यस। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंसेस सोर्स ऑफ गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कहाँ से पता चला है वो डालेंगे। अगर आपके फ्रेंड्स के थ्रू पता चला है तो यहाँ पे फ्रेंड्स डालेंगे, अगर आपको सोशल मीडिया यूट्यूब कहीं से भी पता चला है तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख देंगे यूट्यूब सोर्स। एंड अप्लाइंग डेट, अगर आप आज अप्लाई कर रहे हैं तो आज का डेट डाल देंगे गाइस। तो एंड इन सभी को डालने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे गाइस। इस तरीके से अप्लाई करना है एंड आप लोग ये मत सोचे कि अभी अप्लाई किया और कल आपको कॉल आ जाएंगे, हो सकता है एक दो महीने के बाद भी आपको कॉल आ जाएंगे गाइस। मैंने जब इसमें अप्लाई किया था तो मुझे दो से तीन महीने के बाद मुझे इसके लिए कॉल आई थी। तो इसमें अप्लाई करते एंड
वेट करें जब तक कि कॉल नहीं आती है आपको। सो गाइज आई होप कि मेरा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। गाइज हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड हो सके तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।